हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस के एल जी डी ऑनलाइन क्लासेस आई मीनू शर्मा स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद एम एस एक्सल इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा को कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करके डॉक्यूमेंट में कैसे यूज करते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट सर्चिंग एंड शॉर्टिंग डाटा फिलिंग सेल ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग हैडर एंड फूटर एंड सेटिंग प्रिंट ऑप्शन वी विल डिस्कस अबाउट डाटा एडिटिंग एंड प्रिंट ऑप्शन इन एम एस एक्सल सो लेट्स स्टार्ट बच्चों एक्सेल का यूज़ डाटा को शॉर्टिंग के लिए कैलकुलेशन के लिए और ग्राफ आदि में किया जाता है एक्सेल प्रोवाइड करता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मेनली न्यूमेरिक डाटा को रो और कॉलम्स में डिवाइड करता है इसमें ग्राफ और चार्ट बनाने में फैसिलिटी देता है इसका यूज मेनली बैंक और बिजनेस में लेजर बनाने में किया जाता है सो अवर फर्स्ट टॉपिक इस कट कॉपी पेस्ट डाटा इन अ वर्कशीट वर्कशीट में एडिटिंग डाटा का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट कॉपी पेस्ट का एक्सेल में वर्कशीट में सूचना को कट के द्वारा इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने में किया जाता है और इस कट इन्फॉर्मेशन को पेस्ट के द्वारा वर्कशीट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट कमांड कॉपी मींस डुप्लीकेट किसी भी डाटा का डुप्लीकेट बनाने में प्रोसेस को कॉपी कहा जाता है कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी पेस्ट मींस चिपकाना पेस्ट एक प्रोग्राम एक्शन होता है जो किसी भी यूजर को कोई भी डाटा कॉपी करके या कट करके किसी दूसरे लोकेशन पर स्टोर करने के काम करता है पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी होता है नेक्स्ट अंडू एंड रीडू कमांड अंडू कमांड अगर आपसे कुछ टेक्स्ट हट जाए तो अंडू करके वर्ड वापस आ जाता है पिछले एक्शन को फिर से अंडू करने के लिए इसका यूज करते हैं इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड नेक्स्ट है रीडू कमांड जो अंडू किया है डॉक्यूमेंट या वर्ड उसे वापस करने के लिए रीडू करते हैं जैसे जो टेक्स्ट अंडू करके वापस लाएँ उसे फिर से डिलीट करने के लिए रीडू करते हैं रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस डाटा इन अ वर्कशीट फ़ाइंड मीन्स खोजना स्टूडेंट्स अगर आपकी वर्कशीट बहुत बड़ी है और उसमें कोई भी डाटा सर्च करना है तो उसे हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेस डाटा अगर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं वर्कशीट में तो आप रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को कई बार सो यू कैन यूज़ रिप्लेस ऑप्शन हम रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करके न्यू टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं चेंज टेक्स्ट की जगह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग शॉर्टिंग का यूज़ डाटा लिस्ट को अल्फाबेट ऑर्डर में ए टू जेड और जेड टू एंड न्यूमेरिक डाटा को भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वे में यूज़ करते हैं नेक्स्ट है डाटा फिल्टरिंग एक्सेल में सॉरी एक्सेल में किसी लार्ज स्केल के डाटा बेस में अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा को निकालने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट हेडर एंड फूटर स्टूडेंट्स एक्सेल डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्रिंट सेटिंग प्रिंट ऑप्शन प्रिंट सॉफ्टवेयर में किसी डॉक्यूमेंट के पेपर में साइज लेआउट एंड मार्जिन एक्सेट्रा को सेट करने के लिए यूज किया जाता है प्रिंट में मार्जिन मार्जिन क्या होता है इसमें पेपर के चारों ओर के मार्जिन हैडर फूटर को मार्जिन सेट करते हैं नेक्स्ट है ऑरिएंटेशन इसमें पेपर का साइज और ऑरिएंटेशन मींस पोइट्रेट लैंडस्केप सेट कर सकते हैं अब पोइट्रेट क्या होता है पोइट्रेट में पेज का मार्जन लेंथ के साइज में होता है नेक्स्ट है लैंडस्केप लैंडस्केप में पेज का मार्जन विद मतलब चौड़ाई की तरफ होता है नेक्स्ट है साइज सेटिंग सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट पेपर साइज लाइक ए थ्री ए फोर ए फाइव एक्सेट्रा आदि होता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट प्रिंट ऑप्शन हेल्प यू टू फिट योर डाटा ऑन द प्रिंटिंग पेज मोर एक्यूरेटली सो प्रिंट पर क्लिक करें या टूल बार पर प्रिंट आइकन्स पर क्लिक कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ओपन करके इसको हम यूज कर सकते हैं तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर टू फिनिश होता है आपको इस वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं थैंक यू